हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी लोग एकदम बेस्ट वे में अपने अच्छे तरीके से पर्व को, जो हमारा हैप्पी होली अब चल रहा है, ठीक है ना, तो उसी के लिए दोस्तों आप सभी को और आपकी पूरी फैमिली को आई पेपर क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। तो हैप्पी होली डियर ऑल स्टूडेंट्स, और आप अच्छे तरीके से अपने पर्व को, जो है दोस्तों आपका होली, आप बढ़िया तरीके से मना रहे होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों क्या कि आप सभी लोग ICR का जो रिज़ल्ट है दोस्तों, उसका भी वेट कर रहे हो कि कब आएगा, कैसे आएगा सर, और कमेंट्स भी करते रहते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कि सर कब तक आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैं थोड़ी सी एक अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए कि रिज़ल्ट कब आएगा। और दोस्तों बाकी आपका फेस्टिवल चल रहा है आज दोस्तों, होलिका दहन की आप सभी को शुभकामनाएँ, और दोस्तों कल आपका रंगों का त्यौहार है। तो उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बस बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से खाते पीते हुए एकदम बढ़िया तरीके से खेलोगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। छोटा सा सेशन आपके लिए है जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो सभी अपने अच्छे तरीके से होली खेलेंगे, और जो भी जैसे भी आपका लगता हो उसी के रिगार्डिंग आप अच्छे तरीके से अपने अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। और बाकी उम्मीद है दोस्तों आपका रिज़ल्ट इस बार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से मेहनत करके पेपर दे के आए हैं, उनका रिज़ल्ट हो जाएगा। तो अगली होली दोस्तों आपकी एक सरकारी नौकरी के साथ हो रही होगी, तो यही हम आपकी कामना करते हैं। तो ये वाली होली दोस्तों फीकी होली, और अगले वाली होली दोस्तों आपकी बनेगी कौन सी साथ में, सरकारी नौकरी के साथ में। तो ठीक है ना भाई दोस्तों, तो सभी को पहले हैप्पी होली के एडवांस में, कैसे भी जैसे भी समझ लो, सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी के दोस्तों जॉब लगे अच्छे तरीके से, आप तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें दोस्तों, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आपकी जो सभी क्लासेज हैं अभी थोड़ा सा डिले चल रही हैं दोस्तों, टाइम की प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से, बट कोई नहीं, सभी क्लासें आपके ऑन द टाइम हो जाएंगी दोस्तों। तो उसके लिए बस थोड़ा सा आपको पेशेंस और वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोग कमेंट्स कर देना कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल तैयारी, ठीक है ना भाई। कौन सी स्टूडेंट से होता है ना जनरल, जो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके दोस्तों सबको कवर अप कर ले, मोस्टली हम उसको कराने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी और स्टार्ट करने की संभावनाएँ हैं। तो जनरल की तैयारी कराने के लिए दोस्तों हम सोच रहे हैं, जो कि दोस्तों आपके ऑल एग्ज़ाम को कवर अप कर चुके। और बाकी आप सभी लोग मुझे कमेंट्स कर देना कि सर इस वाले एग्ज़ाम की आप चाहो तो करा सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका जो ICR का रिजल्ट है दोस्तों, उसकी पॉसिबिलिटी आपका दोस्तों कौन सा अप्रैल मंथ का, जो आपका दोस्तों नेक्स्ट मंथ है, उस मंथ का फर्स्ट वीक में दोस्तों आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है रिज़ल्ट की, कि रिज़ल्ट दोस्तों आपका अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो आप सभी लोग दोस्तों, बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आने की पॉसिबिलिटी, कब आ जाएगा सर, मतलब इतना टाइम हो गया है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों आपका, क्योंकि 5 फरवरी तक दोस्तों आपके एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, 5 फरवरी तक एग्ज़ाम हुए थे, और 9 और 10 फरवरी के अराउंड ऑफ आपकी दोस्तों क्या आई थी, आंसर की आई थी, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो दोस्तों रिज़ल्ट है वो आपके अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में पूरी पॉसिबिलिटी आने की, ठीक है भाई, अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, बाकी आप सभी लोगों ने जो बेस्ट करके आए हैं अपना, मैंने अपनी कट ऑफ बता दी थी कि कितने कितने पे दोस्तों आपके जाने वाली है, वो थोड़ी सी दोस्तों एक्सपेक्टेड थी, मैं ये नहीं कह रहा कि वैसी ही जाएगी, बस वो समझ लीजिए कि अराउंड ऑफ है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपने देख लिया होगा आंसर की में दोस्तों, आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि आपके मार्क्स कितने कितने बन पा रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आपको बतानी थी और मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों आप सभी को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से खेलना दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। पर्व एक साल में एक बार आता है दोस्तों, तो उसको एकदम फीका मत करना, ठीक है ना। बाकी दोस्तों जिस भी आप चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, जो भी एग्ज़ाम आपके लिए दोस्तों है, और उसको जो आपका दोस्तों अगर नज़दीक में ही है, तो दोस्तों उसको थोड़ा कम करके दोस्तों एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है भाई। बाकी दोस्तों सब कुछ आते रहेंगे, त्यौहार आते रहेंगे, पर दोस्तों एग्ज़ाम कभी कभी आते हैं, याद रहे एग्ज़ाम कभी कभी आते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों बस आप जो है ना उसके लिए डेडिकेटेड होकर पूरे अच्छे तरीके से करते रहना। बाकी दोस्तों आप सभी को और आपके सब परिवार को हमारी तरफ से हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों अच्छा दिन रहे आपका आज का और कल का, और उम्मीद है सभी आप सभी लोग हमें कमेंट्स करेंगे कि सर मेरी इस तरीके से होली मनी, मेरा ये वाला एग्ज़ाम हुआ और मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, सब कुछ दोस्तों आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे, हमें अच्छा लगेगा और फुल्ली मोटिवेटेड हम भी होंगे और आप भी होंगे भाई, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों गुड बाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू।